Let's do question number first of exercise 4B, that is quadratic equation. Question number first is, solve each of the following equation by using the method of completing the square. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है completing the square method से आपको ये quadratic equation solve करनी है. तो first equation है x square minus 6x plus 3 equals to 0. चलिए करते हैं. x square minus 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सबसे पहला स्टेप कि हमारे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉफिशेंट नहीं होना चाहिए. अगर होता है तो उस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जो ये एक्स के साथ जो कॉफिशेंट है उसको हाफ करेंगे. देखिए इसका साइन नहीं लेंगे. 6 को हमने हाफ किया, जो आया दैट इज 3 आया, उसके स्क्वायर से प्लस और माइनस करेंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर हम ले सकते हैं. ये बिना सोचे समझे प्लस वाली डिजिट साथ में ले लीजिएगा. तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं a को x मानूँ और b को 3 मानूँ तो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स. तो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमने 3 का स्क्वायर कर रखा है, माइनस 6x हो गया. तो देखिए ये वाली वैल्यू जो आई है वो सेम आ गई इसके अकॉर्डिंग, ठीक है. तो ये हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर. हमने स्क्वायरिंग मेथड से करना है और हमें स्क्वायर बनाना है. तो ये देखिए ये स्क्वायर बन गया. अब बाकी की वैल्यूज छोड़ देंगे एज इट इज, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब ये क्या आ गया, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर. मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलरेडी है, प्लीज आप उसको जरूर देखें ध्यान से. अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, माइनस 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो ये कितना आ गया, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस का 9 है प्लस का 3 है तो दोनों के ऑपोजिट साइन है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लगेगा. तो माइनस 6 आ गया इक्वल्स टू 0. अब 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड. तो ये आ गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6, राइट. अब हमें स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू, स्क्वायर हट गया तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस रूट 6. अब हम x माइनस 3 को रूट 6 के साथ लेंगे प्लस के, और एक बार x माइनस 3 को माइनस रूट 6 के साथ. अब ये जो 3 है ये इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा. तो x कितना आ गया, रूट 6 प्लस 3 का हो या 3 प्लस रूट 6 का हो, बात एक ही है. इसी तरीके से ये 3 उधर जाके प्लस का हो गया तो ये आ गया माइनस रूट 6 प्लस 3 या 3 माइनस रूट 6 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स का जो कॉफिशियंट है 4 विदाउट साइन, साइन नहीं लेंगे उसका, उसको हाफ करेंगे. तो 4 को हाफ किया तो 2 आ गया. अब 2 की प्लस माइनस से मल्टीप्लाई स्क्वायर की, तो ये आ गया 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर. आप चाहें तो प्लस 4 और माइनस 4 भी लिख सकते हैं, प्लस 1 इक्वल्स टू 0.
आप हमेशा मैंने कहा प्लस वाली वैल्यू लीजिएगा, मोस्टली प्लस वाली वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। देखिए जिससे कि वे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला बन सके। तो इसको एक ब्रैकेट में कर लिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, टू है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू टू ज फोर एक्स, राइट। तो ये देखिए ये वही फॉर्मूला बन गया है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू टू ज फोर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो हो गया। ये आ गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। थ्री अब उधर चला गया, तो ये आ गया एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री। अब ये हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर क्या बन जाता है, रूट की फॉर्म ले लेता है। तो एक्स माइनस टू कितना आ गया, प्लस माइनस रूट थ्री। तो अब हम एक्स माइनस टू को एक बार रूट थ्री के प्लस के रूट थ्री के साथ लेंगे, और एक बार एक्स माइनस टू को माइनस रूट थ्री के लिए साथ लेंगे। तो टू उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, टू प्लस रूट थ्री का हो या रूट थ्री प्लस टू का हो, बात एक ही है। इसी तरीके से टू उधर चला गया, तो माइनस रूट थ्री प्लस टू, तो ये कितना आ गया, टू माइनस रूट थ्री इज द आंसर।